हेलो दोस्तों, मैं केके और केके टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि अगर आपके पास भी ऐसा कोई लेबर ऑफिस की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया है तो क्या करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल या पीसी का कोई ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें टाइप करना है BOCW, टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे BOCW टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको ऐसा इंटरप्रेस्ट होने लगेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और अपना आधार सत्यापित करना है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसमें अपना मंडल चूज करना है और इसमें अपना श्रमिक का पंजीयन नंबर डालना है और सर्च कर लेना है। उसके बाद जो आपकी पंजीयन आधार लेबर कार्ड में डिटेल फिल हुई थी वही ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और आपको क्या करना है, जो आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम जो है उसमें कट करके वो सही कर लेना है। तो मेरा सभी चीज़ सही है तो आपको इस पर टिक कर लेना है और इस पर टिक कर लेना है और आधार सत्यापन पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका आधार जो आधार कार्ड है और लेबर कार्ड से सत्यापित हो जाएगा। आपकी जो कोई कमी है वो सही हो जाएगी। तो आप लेबर कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेबर कार्ड का जो कोई सुविधा है जो आपको प्राप्त की जाएगी। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।